जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट क्लासेस होते हैं, तो उसी क्लासेस में से एक FNO है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं एंड आप कैसे पोटेंशियली इससे बच सकते हो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो जाकर देख जरूर लेना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड आप कैसे पैसे बना सकते हो। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर और क्यों इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना रिस्क है और आपको क्यों जानना चाहिए इस रिस्क के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा रिस्क आता है वो है हाई लेवरेज फैक्टर, और कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा को भी समझ आ जाए। तो मान लीजिए TCS का एक शेयर का प्राइस 5,000 रुपए है और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए ही है। तो अगर आप डिलीवरी में शेयर बाय करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक शेयर होगा, आप सिर्फ एक शेयर बाय कर सकते हो उस 5,000 रुपए से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। तो एज्यूम आपने डिलीवरी में शेयर बाय किया और एक महीने के बाद उस TCS का शेयर का प्राइस 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपए हो गया, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 1,000 रुपए का। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में ये फर्क है कि आपको सिर्फ यहाँ पर मार्जिन अमाउंट देना है, सिर्फ मार्जिन अमाउंट। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो आप वही 5,000 रुपए से 10 शेयर्स बाय कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। 10 शेयर्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने लेवरेज मार्जिन लिया अपने ब्रोकर से, ब्रोकर अपने फायदे के लिए देता है, क्यों देता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो मार्जिन अमाउंट 4x, 5x और 10x होता है और किसी किसी कंपनी में 20x भी होता है। तो यहाँ पे जब हम लेवरेज लेते हैं तो हमारा तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ ब्रोकर का भी अच्छा खासा फायदा होता है। और वो कैसे होता है वो भी बताता हूँ बस 2 मिनट को। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लॉट के हिसाब से शेयर बाय कर सकते हो, यहाँ पर एक शेयर्स नहीं मिलता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। लॉट साइज का मतलब होता है एक बास्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप एक शेयर बाय नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक लॉट खरीदना होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज पहले से डिसाइड करके रखता है कि कौन से फ्यूचर का लॉट कितने शेयर्स का होगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग लॉट साइज होता है। तो वापस से उसी एग्जांपल में चलते हैं, जहां आप डिलीवरी में 5,000 रुपए से एक शेयर बाय कर सकते थे, वहीं आप फ्यूचर में 5,000 रुपए से 10 शेयर्स बाय कर सकते हो। मतलब आपको फ्यूचर में एक शेयर का प्राइस 500 रुपए पड़ रहा है। तो 500 × 10 = 5,000। अरे वाह, 5,000 रुपए में 10 शेयर्स मिल गए। लेकिन अगर आप डिलीवरी में शेयर बाय करने जाते तो वही 10 शेयर्स का आपको 50,000 देना पड़ता, तो इतना पैसा आप लाते कहाँ से? इसलिए ब्रोकर आपको ये कहता है कि आप मुझसे उधार ले लो। यानी TCS का 10 शेयर का प्राइस 50,000 तो है ही, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं देना है, सारे पैसे मैं दूंगा, बस आपको 10% मार्जिन अमाउंट देना है। तो 45,000 ब्रोकर देगा और सिर्फ 10% यानी 5,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो 5,000 पे नहीं होगा बल्कि ओवरऑल 50,000 पे प्रॉफिट होगा। मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर स्टॉक्स का प्राइस 5,000 से बढ़कर 6,000 हो जाता है तो आपको 1,000 का प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 10x लेवरेज लिया हुआ है, ओवरऑल 50,000 पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 50,000 से 60,000 हो जाएगा 10x लेवरेज की वजह से। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हम वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपने TCS का एक शेयर बाय किया डिलीवरी में, तो अगर स्टॉक्स का प्राइस 5,000 से 6,000 हो जाता है तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस फ्यूचर के केस में आपने 5,000 रुपये दिए और 10 शेयर वाला एक लॉट लिया फ्यूचर का, तो अगर स्टॉक्स का प्राइस 5,000 से 6,000 हो जाता है तो फ्यूचर में भी 50,000 से 60,000 हो जाएगा, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय किया तो आपको सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब आपने फ्यूचर का लॉट लिया लेवरेज लेकर तो आपको डायरेक्ट 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट डिलीवरी में लेने पर ओनली 1,000 का प्रॉफिट, बट फ्यूचर में डायरेक्ट 10,000 का प्रॉफिट। इसलिए लोग कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट हुआ तो अच्छा लगा, लेकिन वहीं अगर स्टॉक्स का प्राइस 5,000 से घटकर 4,000 हो जाता तो आपको 10,000 का नुकसान हो सकता था, जितना आपने लगाया नहीं था उतना का लॉस। मतलब आपका 5,000 तो गया ही, ऊपर से 5,000 का डेट, और आपको ये पे करना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। इसलिए यहाँ लोगों की बैंक अकाउंट खाली हो जाती है, क्योंकि आप लेवरेज्ड हो, आपने उधार लिया है। एंड आई थिंक डेट इंसान को कभी लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क की बात करते हैं, जो है लाइबिलिटी। होता क्या है ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, लेकिन फ्यूचर में आप ऑब्लिगेशन के साथ अपने ट्रेड में घुस जाते हैं। ऑप्शन रिस्की है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी बायर और सेलर के ऊपर पूरी तरह से रहेगी। एक अंडरलाइन स्टॉक जब मूव होता है, मतलब इक्विटी में जब आप पैसा लगाते हैं
तो जितना का प्राइस मूवमेंट हुआ उतना का आपका रिस्क है। लेकिन अगर आप लॉट में पैसा लगाते हैं तो अंडरलाइन स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट जो है वो मल्टीफोल्ड लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो अगर मार्केट में अपोजिट ट्रेंड चल रहा है तो आपको पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप घुसते हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के और अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से लेकर अपने नॉलेज से लेकर अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए और अपना स्ट्राइक प्राइस जब चुनते हैं एक्सपायरी डेट तक, सब ग्लोबल फैक्टर का रोल होगा। इन सब चीजों को कंसिडर कीजिए और उतना ही पैसा लगाइए जितना आप भूलने के लिए तैयार है। हाँ, इसमें पैसा ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। सेकंड जो रिस्क है वो है मार्जिन ऑफ लॉसेस। जब भी आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो अपने ओवरऑल टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं और जब आप ब्रोकर से लेवरेज लेते हैं तो उस केस में आपका प्रॉफिट का तो चांस होता ही है, लेकिन नुकसान का भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अगर कम प्राइस मूवमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट नेगेटिव चला गया या एक्सपेक्टेशन से नीचे चला गया तो आपका नुकसान हो सकता है, आप कर्ज में जा सकते हो। थर्ड जो रिस्क है वो है लैक ऑफ नॉलेज। काफ़ी लोग सिर्फ प्रॉफिट का पोटेंशियल को देख करके अपना सारा अमाउंट ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा देते हैं। उनको लगता है कि आज ही सारा पैसा डबल कर लूँगा और अपना सारा लॉस करा बैठते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू गेन सम नॉलेज, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, और ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं। फोर्थ जो रिस्क है वो है अनसर्टेनिटी। आप किसी भी सेगमेंट में पैसा लगाते हैं जैसे इक्विटी में, गोल्ड में या फिक्स डिपॉजिट में, आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म लेवल पे है, मतलब आप प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर अपने पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। लेकिन जब ऑप्शन ट्रेडिंग का बात आता है तो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई कैसी है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या वॉर चल रहा है, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसी है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यही एक्सटर्नल फैक्टर और अनसर्टेनिटी के कारण इस सेगमेंट में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के इस सीरीज में बस इतना ही, और अगर आपको और जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।